नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रंजन उरांव। काफी लोगों की जिंदगी को मैं बेहतर करूं ऐसा मुझे आशा और उम्मीद लगता है। आज हम एक मनुष्य हैं, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अच्छा हो, भलाई हो और उसकी मदद हो, इस भावना के साथ में मैं काम कर रहा हूं, आप भी काम कीजिए। हमें हर व्यक्ति को आज सक्सेसफुल होने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, हर प्रकार के कदम उठाते हैं, काम करते हैं। तो मैं इस बात का थोड़ा सा मेरे जो विचार है उस विचार को मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, या कोई भी क्षेत्र में हो, आपको कुछ न कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उन्हीं बातों में से आप एक बातों का ध्यान रखें कि सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अर्थ की सुचिता। अर्थ की सुचिता कहने का मतलब है धन की सुचिता होना जरूरी है। आर्थिक पैसा क्या है? एक शक्ति है, एक ताकत है, एक पावर है। अगर हम कोई भी क्षेत्र में काम करने के लिए जा रहे हैं, वहां हमारी धन के प्रति पवित्रता नहीं है, तो वहां पर हमारे अंदर में लोभ लालच घुस जाएगा। और लोभ क्या है? लोभ ऐसी चीज है, दूसरे को फायदा हो या ना हो, दूसरे को सुख मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, उससे कोई उसको मतलब नहीं होता है, उसको अपना स्वार्थ से उसको मतलब होता है। तो स्वार्थी व्यक्ति कभी भी भलाई का काम नहीं कर सकता है। इसीलिए आप अगर कोई भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आप कदम उठा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरत है आर्थ की सुचिता आपके अंदर डेवलप करने की जरूरत है। दूसरा, चरित्र की सुचिता। चरित्र की सुचिता होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर चरित्र की सुचिता नहीं होने से क्या होता है कि हम किसी दूसरे औरतों या दूसरे लेडीज औरतों के ऊपर हमारे मन भाग जाता है, चले जाता है। साथ में काम करते करते उसके प्रति हमारा एक आकर्षण होता है, तो ये भी हमारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा रुकावट है। चरित्र की सुचिता होना बहुत जरूरी है। इन बातों को ध्यान रखें और पवित्र होकर आगे बढ़ते रहें। जो चरित्र में जिसका एक बार दाग लग गया, चरित्र में एक बार किसी का बदनाम हो गया, तो वो व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी भलाई का काम कर ले, वो विश्वास लायक नहीं होता। इसीलिए आप अपने चरित्र को बेदाग रखें, तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं, तभी आप जिंदगी में विश्वास लायक हो सकते हैं। आप अपने पत्नी की विश्वासी हो सकती हैं, आप अपने बच्चों को विश्वासी हो सकते हैं, आप समाज के साथ में विश्वासी हो सकते हैं। इसीलिए चरित्र में किसी प्रकार का दाग ना हो, ऐसे हमें कोशिश करना चाहिए। और करना क्या करना ही होगा, तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सफलता की ओर जा रहे हैं, दूसरे की भलाई की ओर जा रहे हैं, समाज की भलाई की ओर जा रहे हैं, तो
तो इन बातों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। वो मैं तीसरी बार कहता हूं कि आप 100% विनम्र रहने की कोशिश करें। आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब काम करने की कोशिश करेंगे वहां बहुत सारे ऐसे शब्दों सुनने के लिए मिलेंगे जो कि आप सहनशीलता से बाहर है। लोग अपने अपने विचार से, अपने अपने भावना के अनुसार आपको कहेंगे, आपके अनुसार बात ना हो तो आपको गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा आएगा, विनम्रता नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो विनम्रता बहुत जरूरी है। आपके अनुसार काम ना हो तो आप गुस्से हो जाएंगे और विनम्रता ना होने के कारण आप छोड़ देंगे। तो आपके अंदर में एक विनम्रता हो, सारे लोगों के साथ में अच्छा जो होते हैं, अच्छा लोगों के साथ में आगे बढ़ते रहे, और जो आपके संपर्क में आते हैं, आपके नजदीक में आते हैं, उनको भी बिल्कुल ठीक करके नम्रता पूर्वक उनके साथ में व्यवहार करके उनके अनुसार कुछ न कुछ इस प्रकार से बात करे ताकि उनको अच्छा महसूस करते हुए उसको सही राह पर लाने की कोशिश करना चाहिए और सही राह लेके आइए और आगे बढ़ाते जाइए। सहनशील तो होना ही पड़ेगा। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है, कोई भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखना होगा, ठंडा रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, दोबारा मैं इस चीज को और रिपीट कर देता हूं, बड़ा काम करने के लिए आपकी सुचिता होना जरूरी है, चरित्र की सुचिता होना जरूरी है और 100% विनम्रता होना बहुत जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को हम सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपना विचार को समाप्त करता हूं। जय भारत, जय हिंद।